स्वागत है, मैं हूँ माविद और मेरे साथ कर्नल राजीव मिन्ना जी। आई जानते हैं कि क्या कुछ नहीं यहाँ पर आज ये चर्चा मीटिंग है, आप क्या सोचते हैं? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जिस तरह से अभी कार्यक्रम हुआ उद्घाटन, क्या कुछ नहीं है। देखिए इसमें पूरी तकनीकी और विकास की बात जी, जो अगर हमें विकास करना है तो तकनीकी की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आप तकनीकी में पिछड़ रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते जी। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आपने देखी है, कोटक हो या नोकिया हो या जहाँ भी, सब लोग आगे अगर नहीं उसने अपनाया तो कुछ पड़ गया और कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट। इसी तरह उसी के साथ भी जरूरत है जो मैन बिहाइंड द मशीन, हम टेक्नोलॉजी ले आए। अब PSU के बारे में देखिए, क्या है मशीन टेक्नोलॉजी दे भी आए और वहाँ की मैन पावर को हम उस हिसाब से तैयार नहीं करें, उनको प्रशिक्षित ना करें, उनको एफिशिएंट ना करें, तो फिर वो PSU नहीं चल पाएगी, घाटे में रहेगी। आप काफ़ी PSU से मिलते भी हैं क्योंकि आपका तो मैन पावर भी वहाँ पर है। हाँ, मैं क्या कमियाँ हैं? देखिए मेरी बहुत जगह से नौकरी चल रही है, सारी PSU NTPC हो, पावर ग्रिड्स हो या ऑयल कंपनी हो, तो कहीं ना कहीं देखिए प्राइवेट के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ की जो एक मैन पावर जो वहाँ पर स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो है इनडिफरेंट एटीट्यूड है, उस तरह से वो जोश नहीं है, वो एक उमंग नहीं है जो हम कैसे प्रशिक्षित करें, कैसे कंपनी को हम एफिशिएंट बनाएं और प्रोडक्टिविटी के साथ उसको प्रॉफिट में लाएं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जैसे मैंने कहा था, आप बैंक को ही देखिए, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो कि सरकारी बैंक हो कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक, तो दोनों की सर्विस में बहुत अंतर है। आप एयर इंडिया को देखिए, उसकी सर्विस में, और साथ में आप दूसरे प्राइवेट एयरलाइंस को देखिए, काफ़ी PSL को देखिए, बाकी आप जितने भी मोबाइल कंपनी है उनको देखिए, तो सब कुछ होते हुए भी सरकारी PSL और सरकारी कंपनी चल बना है। क्या सोचता है कि अभी कोविड के बाद ऐसे इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत भी एकदम जरूरत है। देखिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह कितना प्रशिक्षित कर पाते हैं जिससे कि वो नए टेक्नोलॉजी को अपना सकें और उसको पूर्ण रूप से उपयोग करके देश को आगे ले जा सके। नहीं तो फिर वो हमारे प्रशिक्षित मैन पावर देखते हैं बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, नासा में आधे इंडियन से चला रहे हैं लेकिन यहाँ पर वो आके नहीं कर पा रहे, तो ये जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, इस पर बताया, आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे। या दोस्तों तो ये थे कर्नल राजीव मिन्ना, जो खास योजना बता रहे थे कि आज जरूरत है यहाँ इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ HR जिस प्रकार से बना है, आज इनोवेशन की जरूरत है। ऐसे इनोवेशन होते हैं तो निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट भी कमेगा और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेगा। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews24x7.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।